हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विटामिन्स और उनके जो केमिकल नेम है उसकी ट्रिक बना रहा हूं। अक्सर ये याद होते नहीं है, टिपिकल है, बट इसकी ट्रिक देखना इतनी इजी है कि आपको बिल्कुल एक बार या दो बार रिवाइज करोगे तो भूलोगे नहीं कभी लाइफ के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम पर ध्यान देंगे। देखो हमारी ट्रिक क्या है, A, B1, B2 ये अपना सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे, फिर ट्रिक पे ध्यान देंगे। एक चूहा था, हड्डी टूटी थी उसकी। हड्डी कौन सी टूटी थी? रिब की। सिर्फ ये याद करना, हड्डी कौन सी टूटी थी? रिब की टूटी थी। नाक की टूटी थी पांच प्यार में। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आधा आधा करके दो बनाई हैं। चूहा था, चूहा को इंग्लिश में बोलते हैं रैट, रैट से रेटिनॉल, था से थाइमीन, हड्डी टूटी थी उसकी, मैंने बोला था रिब की, रिब से रिबोफ्लेविन, नोज से नियोसिन, पांच से पेंटा बोलते हैं, तो पेंटा से पेंटाथियनिक एसिड, प्यार में PYR को हम प्यार बोल सकते हैं अपने हिंदी में, तो इससे पैराडोक्सिन बन जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक क्या है मेरी, अब BIO, बायोटीन को मैं क्या बोल सकता हूँ? BIO, बायो को बायो बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बायो फोली और साइना, बोली और साइना ऐश कर रही थी कल, टोका तो बोली पी लो भैया। देखो दोस्तों, ट्रिक बहुत गजब की है। क्या है ट्रिक? बायो फोली और साइना ऐश कर रही थी कल, टोका तो बोली पी लो भैया। चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बायो से बायोटीन, फोली से फोलिक एसिड, साइना से साइनाकोबालामिन, ऐश कर रही थी, ऐश को पकड़ेंगे, ऐश से बोल जाएगा एस्कोर्बिक एसिड, कल से CAL को हिंदी में कल बोल लेंगे, कल से कैल्सीफेरोल, टोका से टोकोफेरोल, तो टोका तो बोली पीलो भैया, PHYLO, फिलो से बोल सकते हैं हम पीलो, तो फिर फिलोक्विनोन। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, कैसी लगी आपकी ट्रिक जरूर बताना।